प्रभु यीशु मसीह नासरी के जीवित सामर्थी और जलाली नाम में परमेश्वर के आनंद, प्रेम और शांति से परिपूर्ण होकर एक बार फिर से हम फेथ लाइफ सोसाइटी हाउस ऑफ गॉड आपके बीच में उपस्थित हैं परमेश्वर के सामर्थी वचन और आत्मा को आनंदित कर देने वाली आराधना को लेकर। आइए इस खूबसूरत अवसर के लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो और अपने मन की बातें उससे खोल खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आइए इस खूबसूरत वायदे के साथ अपने प्रोग्राम को शुरू करते हुए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस अद्भुत दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप अपने वायदों को पूरा करने वाले पिता हैं। जब वचन हमें ये कहता है परमेश्वर कि हमें अपने मन की बातें आपसे खोल कर करनी चाहिए पिता, तो होने दें हम में से हर एक अपने मन की हर एक चिंता, हर एक बात, हर एक तकलीफ तुझसे खोल कर कहे। मेरे पिता चाहते हैं परमेश्वर तू अपने वायदे अनुसार हमारा शरण स्थान बना रहे। मेरे पिता प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज के इस दिन के लिए परमेश्वर, और जितने भी लोग हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं परमेश्वर, हर एक को संभाल और अपनी उपस्थिति में लिए चल। मेरे पिता प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, देखने वाला हर एक जीवन प्रभु तुझ में आनंदित और मगन होने पाए। मेरे पिता प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर आपके दास के लिए जो आज के सामर्थी वचन को लेकर आपके लोगों के बीच में उपस्थित है। प्रभु होने दे परमेश्वर कि उनके जबान से निकलने वाला हर एक वचन तेरी ओर से होने पाए। प्रार्थना करते हैं आज की आराधना को परमेश्वर तुझे ग्रहण हो। मेरे पिता हर बात में परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरे नाम को ऊँचा ऊँचा और बहुत ऊँचा उठाते हैं, और ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे वे असर। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे वे असर। तेरा रचने रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक संभाला मुझे। अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे। अपनी बाहों में लिए हुए तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जय संभाला मुझे अपनी बाहों।
डाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए हालेलुया। आज के इस लम्हे में मैं आपको स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह में। हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च की तरफ से आपका आशीष और कल्याण को मांगता हूं। प्रभु यीशु मसीह में आपको बहुत बहुत आशीष। आज के इस लम्हे में मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आपने रिवाइज वर्शिप पेज फॉलो किया? अगर अभी तक नहीं किया है तो जरूर अभी इसी समय फेसबुक पर एक पेज है जिसका नाम है रिवाइज वर्शिप पेज। आप वहाँ पर रेवरेंड डॉक्टर एरिक, रेवरेंड सुमित मसीह, रेवरेंड राजू मसीह वर्शिप के लिए मैसेज के लिए आपके लिए तैयार है। एचजीबीसी मन्ना 5 मिनट प्रतिदिन आ रहा है, एवरीडे आप रिवाइज वर्शिप पेज पर देख सकते हैं। हम आपके लिए आज बहुत जल्दी से एक मैसेज लेकर आए हैं जो आपके जीवन में जागृति ला सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है। क्या आप वचन सुनने के लिए तैयार है? आपने अभी वर्शिप सुनी है और प्रभु यीशु मसीह का वचन अब आने वाला है जो यीशु मसीह का है। पास्टर सुनील मसीह का नहीं है, हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च प्रभु यीशु मसीह का है और ये वचन भी यीशु मसीह का है। अगर आप सुनेंगे तो आज आपका जीवन बदल जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह के संग कौन रहने पाएगा? मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और जल्दी से इसके बाद हम वचन में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, आज का वचन जितने लोग सुन रहे हैं उनका हृदय बदल जाए, हृदय छिद जाए। जैसे पत्रस ने एक वचन सुनाया, 3,000 लोगों का हृदय छिद गया और उसी दिन वो मर गए और यीशु मसीह में जी उठे और उन्होंने मन फिराया, तौबा की और प्रभु यीशु मसीह में एक बिलीवर्स बन गए, प्रभु यीशु मसीह विश्वासी बन गए। हम चाहते हैं जब आज वचन सुना जाए तो तमाम आत्माएं बच जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। यस, हम जल्दी चलेंगे भजन संहिता 15 में। यदि आप पहुंच गए हैं तो इस भजन संहिता आपका ये वचन जब आप पढ़ने जा रहे हैं, आप नहीं पढ़ते, ये आपको पढ़ता है। आज भजन संहिता 15 जल्दी से हम मिसेस मसीह के द्वारा सुनेंगे। पहली वर्ड में ऐसा लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? Praise the Lord, Hallelujah, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? कौन बसने पाएगा? मिसेस मसीह कह रही है, तेरे पवित्र पर्वत पे कौन बसने पाएगा? जीसस इज माई रॉक, वो मेरा पर्वत है। बड़ी अच्छी भजन संहिता लिखी हुई है कि मैं बड़ा अच्छा लिखा भजन संहिता 121 में लिखा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे तो सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो हमारा रक्षक है। दिन रात जागता रहता, उसकी आंखें हमारी ओर लगी है। इसलिए पहले जरूरत है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मेरे अजीज, आज का जो वचन वो ये है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पे कौन बसने पाएगा? मुझे अच्छा लग रहा है कि जब मैं ये भजन पढ़ रहा था तो भजन संहिता 161:4 में लिखा है, मैं तेरे तंबू में युग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओर में शरण लिए रहूंगा। पंखों की, मेरे अजीज, जिस प्रकार मुर्गी के बच्चे मुर्गी के पंख के नीचे रहते हैं, यदि आप परमेश्वर के हाथों के नीचे रहेंगे और परमेश्वर कह रहा है आप दीन बनेंगे तो वह आपको शिरोमणि बनाएगा। और उसके तंबू में बसना चाहते हैं, उसके पर्वत पे बसना चाहते हैं, तंबू में रहना चाहते हैं। तंबू, परमेश्वर का तंबू कहाँ है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, पृथ्वी उसके पांव की चौकी, स्वर्ग उसका सिंहासन है। उसके तंबू में बसना चाहते हो? परमेश्वर ने एक वायदा किया था यीशु मसीह ने, मैं जा रहा हूँ फिर आऊंगा तो मैं वापस अपने संग लेके जाऊंगा, मेरे बाप के घर में बहुत सारे रहने के घर है, आप भूल तो नहीं गए? यीशु मसीह कह रहा है, हे परमेश्वर, दाऊद यहां लिख रहा है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पे कौन बसने पाएगा? मैं सोच रहा था कौन लोग तंबू में रहेंगे और कौन लोग उस पे बसने पाएंगे। मुझे लग रहा कि हम जल्दी से एक भजन संहिता पढ़ेंगे जो कि मिलेगी 24:3-5 में से लिखा, भजन संहिता 24:3-5 में से लिखा हुआ है। यदि आप भजन में पहुंच गए तो आप बोल सकते हैं आमीन। हाँ जी, पढ़ दीजिए। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? यहोवा के पर्वत पे कौन चढ़ सकता है? कौन कौन चढ़ सकता है? मैं कहना चाहता हूं, कोई भी शराबी कबाबी
कोई भी झूठा, कोई भी गड़बड़ी करने वाला, कोई भी चोरी करने वाला, गाली देने वाला चढ़ सकता? कभी नहीं चढ़ सकता। हाँ, योबा के पर्वत पे कौन चढ़ सकता है? और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा? और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। काम आपके कैसे? इसीलिए तो परमेश्वर कह रहा है अपने अपने चाल, अपने अपने काम सुधार लो। यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है। आप पढ़ लीजिएगा अपने घर में, यिर्मयाह 7 में लिखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहोवा के जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हो, जिसने अपने मन को व्यर्थ की बातों की ओर नहीं लगाया हो और न कपट की शपथ खाई हो। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज बहुत सारी लेडीज, बहुत सारे भाई, सुन लीजिए, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, बाय गॉड ये मत करना, बाय गॉड मैं सच बोल रही हूँ, बाय गॉड झूठी मन्नत मांग रहे हैं, उसको पूरा नहीं करते, कस्में खा रहे हैं। और यीशु मसीह कह रहा हाँ कि हाँ, ना कि ना। मैं आपको कहना चाहता हूँ, झूठी शपथ मत खाइए, गलत काम मत करिए, चोरी मत करिए। अगर आप हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, आपको अगर तंबू में रहना है, यीशु मसीह इस बात बादलों पर आ रहा है, आपको लेके जाएगा बादलों पर, हम एक दूसरे से हवा में मिलेंगे। अगर उसके तंबू में आपको रहना है, उसके पर्वत में बसना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। इसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, वे यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन? जो बड़ा अच्छा लिखा हुआ था कि जिसके काम निर्दोष हो, हृदय शुद्ध हो, जिसने अपने मन को व्यर्थ की बातों में नहीं लगाया और न कपट की शपथ खाई है। मैंने किसी आंटी से पूछा, आपने दिन में आज कितनी बार प्रार्थना की, आपने भाई कितनी बार बाइबिल पढ़ी? टाइम नहीं मिला। मैं कहना चाहता हूँ, फिर आप कहते हैं कि मुझे तो परमेश्वर के तंबू में रहना है और उसके पर्वत पे बसना है। नहीं बस पाएंगे भाई, क्योंकि आपने तो अपना मन कहीं और लगा रखा है, आपका मन कहीं भटक गया है और आप मनुष्य पे भरोसा करते हैं। जिसका मन परमेश्वर से भटक जाता है, इसलिए आप मनुष्य पे भरोसा करते हैं और आप श्रापित हो गए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिसका मन परमेश्वर से लगा रहता है, परमेश्वर वो धन्य है और वही तंबू में रहेगा, वही परमेश्वर के पर्वत में बसने पाएगा। हालेलुया। आपने का मन यीशु मसीह से लगा, आपका मन भटक तो नहीं गया, असाध्य रोग तो नहीं लगा है, आप यीशु 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 करते रहेंगे तो यीशु के संग रहने पाएंगे। हालेलुया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, जब मुझे भजन संहिता 121 की 2 में मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। 123 की 1 में लिखा, हे स्वर्ग में विराजमान मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाऊंगा, हे स्वर्ग में विराजमान मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाऊंगा। लेकिन हमारी आंखें तो 62 इंची टीवी पर, हमारी आंखें तो एप्पल फोन पर, हमारी आंखें तो सुंदर कन्या पर, हमारे आंखें बड़े बड़े भवनों पर, हमारी आंखें पिक्चर पर, हमारी आंखें गंदे गंदे सीन पर लगी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पे कौन बसने पाएगा? इसके सेकंड वर्ड्स में लिखा, भजन संहिता 15 की 2 आयत में लिखा, वही, हाँ पढ़ दे, वह जो खराई से चलता है खराई से धर्म के काम और धर्म के काम करता है और अपने हृदय से सच बोलता है। क्या आप परमेश्वर के तंबू में रहना पसंद करेंगे? क्या आप परमेश्वर के पर्वत में बसना पसंद करेंगे? नरक में तो जाना चाहता है। किसी भी व्यक्ति से पूछो, किसी बहन से पूछो, किसी आंटी अंकल फूफा चाची से पूछो, आप कहां रहना पसंद करेंगे? स्वर्ग। सबको परमेश्वर के तंबू में और उसके पर्वत में बसना चाहते हैं, उसके तंबू में रहना, पर्वत में बसना चाहते हैं। लेकिन क्या आप खराई से, आपकी चाल है, आप खरी चाल चलते हैं या दरोड़ों के संग रहते हैं या जुआरियों के संग रहते हैं या आप गंदी गंदी गालियां बकने वालों के साथ रहते हैं? आपकी संगति किन लोगों के संग है? आप कैसे लोगों के संग चलते हैं? इसीलिए तो कहा कि अपनी अपनी चाल और अपने अपने काम सुधार लीजिए। अगर परमेश्वर के तंबू में रहना है और उसके पवित्र पर्वत में बसना है, तो लिखा है जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। आपने धर्म के काम किए? किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी नंगे को कपड़े पहनाए, किसी बीमार की सेवा करने गए, अपने माता पिता का आदर किया? मैं आपसे कहता हूं कि आपने किसी अनाथ को अपने घर लाए मारे मारे फिरते हुए को? आपने किसी विधवा का न्याय चुकाया? आप किसी कैदी से मिलने गए? धर्म के काम तो यही है मेरे यीशु मसीह ने इस धरती पे आके धर्म के काम किए और इसलिए मुर्दों में से जी उठा, पिता के दाहिने हाथ बैठ गया, जहां से जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करेगा, अब जल्द आने वाला है। मेरे अजीज आपको लेने के लिए आ रहा है, क्या आप चाहते हैं? तो इसमें लिखा हुआ है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत में बसने कौन पाएगा जो खराई से चलता। मुझे अच्छा लग रहा है, एक वर्ड मेरे लिए पढ़ देंगे जो कि 119 भजन संहिता
उसकी एक आयत, फिर नौ आयत और ग्यारह आयत में मिसेस मसीह बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगी। जल्दी से अगर आप वचन में पहुंच गए तो आमीन बोल सकते हैं। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खड़े हैं पर चलते हैं। मेरे अजीज, आज परमेश्वर कह रहा है जो चाल के खड़े हैं। अगर आपका शादी का रिश्ता आया है तो पूछते हैं चाल चलन कैसा है। लड़का चाल चलन का अच्छा है, काम सरकारी करता है, दारू तो नहीं पीता, जुआ तो नहीं खेलता। आप चाल के खड़े हैं और इसीलिए परमेश्वर कह रहा कि मेरे तंबू में कौन रहेगा, मेरे पर्वत पर वही बसने पाएगा जो चाल के खड़े हैं। और लिखा हुआ है क्या ही धन्य है वे जो चाल के खड़े हैं। हाँ, फिर जवानों के बारे में लिखा हुआ है, नवी आयत में लिखा है, जवान अपनी चाल को, मेरे जवानों सुन लो, आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। शुद्ध रखने की बात हो रही है। मेरी बहन, मेरी आंटी, आपसे भी बात कर रहा परमेश्वर। आप सब जवान है, जवान पुरुष, जवान जवानों, मैं कहना चाहता हूँ चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आपको आज के जमाने में इस फोन ने बर्बाद कर दिया है। अपने आप किस उपाय से अपने आप को सावधान रख सकते हैं, सुनिए, किस उपाय से आप शुद्ध रख सकते हैं। हाँ, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार सावधान रहने से। मेरे अजीज, आप सावधान हो जाइए। क्या आपका जहाँ पे आप खड़े हैं, एक आपने देखा होगा कि एक पावर हाउस के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है सावधान डेंजर, और उसके नीचे एक बड़ी अच्छी फोटो लगी हुई है और उस पर लिखा होता है 11,000 वोल्टेज। मैं कहना चाहता हूँ उससे कहीं 100 गुना वोल्टेज इस वचन में है। आप सावधान हो जाइए और खड़ी चाल चलिए तो आप परमेश्वर के तंबू में और पर्वत पे बसने पाएंगे। नहीं तो वो सकल जो बोर्ड पे बनी हुई 11,000 वोल्टेज के नीचे कंकाल तंत्र, वरना आप नरक में वैसे बनने जा रहे हैं। मेरा अजीज, खराई जो खराई से चलता, और उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है, 119 की 11वीं आयत में लिखा हुआ है, मैंने तेरे वचन को, परमेश्वर तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आप पाप नहीं करेंगे तो मालूम कहां रहेंगे, परमेश्वर के संग उसके तंबू में और पर्वत पे बसने पाएंगे जहां शांति शांति शांति, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं मेरे साथ। मैं कहना चाहता हूं आपकी खरी चाल है, आप चल रहे खरी चाल, राइट लेफ्ट नहीं होते, राइट लेफ्ट शैतान होता है, और वो खरी चाल एक पतला सा रास्ता है, सकरा रास्ता, वो जो यीशु मसीह के पास लेके जाता है। ये संसारिक रास्ते में ना चले, उसमें खरी चाल नहीं है। मेरे मुझे अच्छा लग रहा है, खरी चाल चलने के लिए एक उपाय है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, फार्मूला आपको देने जा रहा हूँ। कुलुसियों की पुस्तक 3 बाब उसकी 5 से 10 तक लिखा, जल्दी से पढ़ दे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर ये सब कुछ छोड़ देंगे तो आप परमेश्वर के तंबू में और उसके पर्वत पे बसने पाएंगे। मेरा चैलेंज है, यीशु मसीह का वचन है, यीशु मसीह का व्यवस्था मिट जाएगी, भविष्यवाणियां मिट जाएंगी, लेकिन मेरा वचन अटल रहेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा पर मेरा वचन कभी ना टलेगा। हालेलुया। हाँ, उसकी 5 से 10 तक, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, जो पृथ्वी के हैं, अर्थात व्यभिचार, व्यभिचार पहला शैतान का फल है व्यभिचार। हाँ, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा, लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ, इन्हीं के कारण आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर की नाराजगी उन्हीं लोगों पे पड़ता है जो, हाँ, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे इन्हीं के अनुसार चलते थे। अब तुम इन सब को, अर्थात क्रोध रोष विरोध, निंदा मुझ से गालियां बकना, ये बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। तुमने पुराने मनुष्य तत्व को जो कि आपने विश्वास नहीं किया था, उससे पहले आपने संसारिक जीवन जी रहे थे, और जब आपको वचन को पढ़ा, इस वचन को जानने के बाद पता चला जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। पुराना जीवन उतार दिया और उसके अंदर डुबो दिया। यीशु मसीह के संग मरना, जीन और गाड़ा जाना, फिर जी उठना। बपतिस्मा आपको शुद्ध करता है। वो आपने तौबा की है, आपने मन फिराया है, तो आप शुद्ध होंगे और तंबू में रहेंगे और पर्वत पे बसने पाएंगे। हाँ, आगे लिखा हुआ है, मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला, नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है। आप नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, आपसे जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। हाँ, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए
नया बनता जाता, अनसंस करके आप बदल जाएंगे। मेरे भाई आपने मन फिराया है और मैं आपको एक फॉर्मूला देने जा रहा हूँ, जो आप इस डोज को लेंगे, इस मेडिसिन को लेंगे, तो आप जो कि मिलेगा व्यवस्था में 10 बाप उसके 12 आयत में है, ये फॉर्मूला अपने जीवन में अपनाएंगे, यीशु मसीह के तंबू में रहेंगे, उसके पर्वत पे बसने पाएंगे। जल्दी से सुन लीजिए। हाँ, अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी आंटी, मेरे अंकल, भय मानिए परमेश्वर का, और उसके सारे मार्गों पर चलिए, और उसके सारे मार्गों में चलिए, उससे प्रेम रखिए, उससे प्रेम रखिए। किससे? सिर्फ यीशु मसीह से प्रेम करिए। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपसे प्रेम करेगा, और अपने पूरे मन, अपने पूरे मन, और अपने सारे प्राण, अपने सारे प्राण उसकी सेवा करें। ये एक फार्मूला है, अगर आप तंबू में रहना चाहते हैं, उसके पर्वत पे बसना चाहते हैं। मैं आपको जल्दी से इसकी थर्ड वर्ड में लेके जाऊंगा, जो कि लिखा हुआ है, वह जो खराई से चलता, धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता। थर्ड वर्ड में लिखा हुआ है, विशेष मसीह पढ़ रही, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, हाँ, और ना अपने मित्र की बुराई सुनता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी तक आपने बहुत बुराई की, बहू ने सास की, सास ने बहू की, भाई ने भाई की, बेटे ने बाप की, बाप ने बेटे की, परिवार की, एक दूसरे से बुराइयां कर रहे हैं। मेरे अजीज, आज यीशु मसीह कह रहा है कि अगर आपको तंबू बसना है, उसके पर्वत पे बसना है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप बुराइयां छोड़ दीजिए, निंदा करना छोड़ दीजिए। और बाइबल ने लिखा है कि बुराई कर जो करने वाला, जो आपके पास बुराई करने आता है, आप बोल दीजिए, नो 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 नो, हम बुराई नहीं सुनते, क्योंकि बुराई करना तो 50 गुना पाप है, लेकिन बुराई सुनना 100 गुना पाप है। जब आप बुराई नहीं सुनेंगे तो बुराई होगी नहीं, और बुराई नहीं होगी तो निंदा होगी नहीं, जब निंदा नहीं होगी तो पाप होगा नहीं। मेरे अजीज, बड़ी अच्छी बात लिखी आप, आज से अगर आप तंबू में रहना चाहते हैं, उसके पर्वत पे बसना चाहते हैं, तो खराई चाल चलेंगे और हृदय से सच बोलेंगे और किसी की बुराई नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। मेरे लिए एक वचन पढ़ देंगे मिसेस मसीह, जो कि लिखा हुआ है जेम्स की पुस्तक 3:5-6 में, याकूब की पुस्तक 3:5-6 में लिखा हुआ। अगर आप पहुंच गए हैं तो मेरे साथ बोल सकते हैं आमीन, हालेलुया। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, जीभ छोटा सा अंग है, और वे बड़ी बड़ी डींगे मारती है, बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हाँ, जीभ भी एक आग है, आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। साइंटिफिक रीजन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीभ का वेट ओनली 30 ग्राम है, और ये छोटी सी जीभ भाई भाई का दुश्मन बना रही है, घर को तोड़ रही है, आग लगा रही है, परिवारों को खत्म कर रही है। इस जीभ को ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसीलिए लिखा है जीभ के ऊपर 32 गेट है, और उसके बाद एक होट लिप्स इंडिया गेट है। इस जीभ को अंदर रखा है, फिर भी ये एक लोक, इसकी बड़ी अच्छी आयत लिखा हुआ, नवी आयत में लिखा हुआ है, ये एक लोक में जीत रहती है और फिर बाहर निकल जाती है, कुछ भी बोल देती है। हाँ, नवी आयत और पढ़ दे। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, हाँ, और इसी से मनुष्य को दो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अभी अभी आपने कहा खूब जियो, आशीष देते हैं, इस जीव से ब्लेसिंग करते हैं और इसी जीव से श्राप देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सोते से 2 प्रकार का पानी नहीं निकलता, खारे सोते से खारा पानी निकलेगा, मीठे सोते से मीठा पानी निकलेगा। अगर आपको बताना चाहता हूँ, अमरूद के पेड़ पर सेब नहीं लगते और सेब के पेड़ पर अमरूद नहीं लगते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर इस जीव से, आप एक अच्छे पासवान हैं, एक अच्छे पास्टर हैं, आप ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो आपने गालियां श्राप इस मुंह से ना निकले, क्योंकि ये जीव को अपने बस में रखना, इसीलिए लिखा हुआ है कि यदि आप धर्मी बनना चाहते हैं तो अपनी जवान पे लगाम दे, अपने हृदय को थामे रहे, तो तुम्हारी धार्मिकता व्यर्थ नहीं है। जो मनुष्य जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज के समय बताना चाहता हूँ, आपके घर में पासवान आए, आपके घर में कोई भी आया, भाई बहन आंटी अंकल, क्या आपने उसकी रिस्पेक्ट की? जो यहोवा का डरवैया होगा वो परमेश्वर के जन का आदर करता है, पासवान का आदर करता है, पासवान के विरोध में नहीं बोलता, पास्टर डीएस बिशप के विरोध में नहीं बोलता। मेरे अजीज, क्या आप अपने पासवान का आदर करते हैं? बड़ा अच्छा लिखा, और यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। अगर बिलीवर्स का आप आदर कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, प्रतिफल स्वर्ग से मिलेगा। हालेलुया। हम 5 आयत में लिखा हुआ है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता,
जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। प्रेज द लॉर्ड, आपने भजन संहिता 15 सुनी और बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता और जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा, वे फिर क्या होगा, वे परमेश्वर के तंबू में और परमेश्वर के पर्वत पे बसने पाएगा। मेरे अजीज, क्या आपने, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आपने इस वचन को सुना है? अगर आपने सुना है तो आप परमेश्वर के तंबू में बसने पाएंगे, पर्वत पे बसने, तंबू में रहने पाएंगे, पर्वत पे बसने पाएंगे। अगर आप सच में हृदय से सच बोलते हैं, खराई चाल चलते हैं, धर्म के काम करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते, जीभ से किसी को बदगोई नहीं करते, बुराई नहीं करते, अपना रुपया ब्याज पर नहीं देते, मैं कहना चाहता हूँ, और किसी की हानि करने के लिए घूस नहीं लेते, और ऐसा व्यक्ति कभी नहीं डगमगाएगा, कभी नहीं डगमगाएगा। आज के इस लम्हे में बस इतने कहना चाहता हूँ कि आप बुद्धिमान हो जाइए, पवित्र आत्मा को मांगिए, पवित्र आत्मा के अनुसार चलिए, तो आप बुद्धिमान हो जाएंगे और परमेश्वर के तंबू में रहेंगे, उसके पर्वत में बसने पाएंगे, जहाँ शांति शांति शांति। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, यदि आप कहीं पे आपको प्रॉब्लम है शरीर के अंदर, अपने राइट हैंड्स को रख सकते हैं, नहीं तो अपने दाहिने हाथ पे राइट हैंड्स को रखें, स्क्रीन की तरफ अपने हाथों को बढ़ाएं। परमेश्वर अभी इसी घड़ी आपको चंगा कर रहा है, समस्याओं से आपको छुटकारा दे रहा है। अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च के एक विश्वासी के लिए, भारत देश के लिए। हम अपने भारत देश के अंदर जो बाढ़ आई हुई है प्रभु, उससे हमें छुटकारा दे। हम विशेष प्रार्थना करते हैं जो बीमारी में फंसे हुए हैं, चाहे वो हार्ट की, शुगर की प्रॉब्लम, किडनी, लीवर, कैंसर, कोरोना, यीशु के नाम से ताकि नरक में चली जाए। जितने लोगों ने अभी वचन सुना है, अपनी आंखें बंद करे बैठे हैं, अभी इसी समय हम अपने विश्वासियों के लिए, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो अपने राइट हैंड्स अपने उस जगह रखे जहाँ पे बीमारी है। अभी आप इसी घड़ी चंगाई दे रहे हैं। हम उस दुष्ट आत्माओं को हुक्म देते हैं यीशु के नाम से, जो नरक से आई है, वापस नरक में जाने का हुक्म देते हैं। अभी बड़ी चंगाई को मैं आते देख रहा हूँ। प्रार्थना करते हैं सारे बिलीवर्स के लिए, सारे विश्वासियों के लिए। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जिनके आज बर्थडे हैं, जिनके प्रभु शादी की सालगिरह, उन सबको ब्लेस कर। विशेष भाई एल्विस, हम प्रार्थना करते हैं अपने मिस्टर गिल्बर्ट पॉल परिवार के जो सनिल्लो हैं, मिस्टर एल्विस के लिए, कि प्रभु आपने उनको आशीष दिए, नया दिन, नया महीना, नया वर्ष दिया है। हम उनको ब्लेस करते हैं, उनकी वाइफ डॉक्टर रूही को ब्लेस करते हैं, पति पत्नी को ब्लेस करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम विशेष प्रार्थना करते हैं जितने लोग अभी इस प्रार्थना में शामिल हैं, उन सबको चंगा कर, हर बीमारी से, हर दुष्ट की युक्ति से, हर गड़बड़ी से अभी शिफा दे। हम प्रार्थना करते हैं घर के अंदर शांति दे, जिनके घर के अंदर फसाद है, कोर्ट केस है, वो सब समाप्त हो जाए। बड़ी चंगाई और शांति के परमेश्वर इनके घर में चंगाई और शांति को दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। हमारे संग जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरा विश्वास है इस जीवित कलाम के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे संग जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज रिवाइज वर्शिप को फॉलो कर सकते हैं, और इस वचन और आराधना को दोबारा सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिवाइज वर्शिप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हर शनिवार सुबह 8:30 बजे आपको यहीं पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।